स्टूडेंट का, काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है जो ख़ास तौर पर पैरामेडिकल करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल हम किस तरह से कर सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है और पैरामेडिकल करने के लिए फ़ीस कितना लगता है। और रही बात फ़ीस का, हम फीस भी पे कर देंगे लेकिन पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं, हम हमें कितना सैलरी जो है देखने को मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्या रहता है, और पैरामेडिकल में हम जो है कौन कौन से कोर्स में पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि पैरामेडिकल कोर्स आप किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपका 12वीं पास है, यदि जी हाँ आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप जो है पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स है, आपके कोर्सेस ऊपर डिसाइड रहता है कि आप जो भी, जैसे ITI में ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, कोपा होता है, फीटर होता है, डीजल मैकेनिकल होता है, सेम वैसे ही आपका पैरामेडिकल में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। बहुत से कोर्सेज आपका 1 ईयर्स का रहता है और कई कोर्सेज आपका 2 साल का, तो पैरामेडिकल कोर्स आपका 1 से 2 साल का रहता है। फीस की बात करें तो इसमें आपको 40 से 50 हज़ार के करीब आपका फ़ीस जो है लग जाता है। और सैलरी की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपको 8 से 10 हज़ार रुपये आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को बढ़ा चढ़ा कर गलत जानकारी नहीं देना चाहता। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपको 8 से 10 हज़ार का एक अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को मिल जाएगा। फीस भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स के लिए आवेदन कब भर सकते हैं, कब स्टार्ट होता है। तो आप लोगों का भी, जो भी स्टूडेंट अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों का 1 या 2 पेपर बस बचा होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे PAT का, PET का और PPST का, BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, आप उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक वैसे ही आप जो है पैरामेडिकल के लिए भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन निकलता है और पैरामेडिकल में आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें भी फ्री सीट और प्राइवेट सीटें रहता है। यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो मैंने आपको बताया 40 से 50, यदि गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 20 से 25 हज़ार ही आपका लगेगा। तो पैरामेडिकल कोर्स के संबंध में एक छोटी सी जानकारी था जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।